तो आज मैं लेके आई हूँ ये मोती चूर के बहुत स्वादिष्ट लड्डू और बहुत आसान रेसिपी। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और स्वाद में भी ये बहुत स्वादिष्ट है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं ये मोती चूर के स्वादिष्ट लड्डू। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेह सिंह। तो मम्मी की रोटी गुरगुर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गोल, मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। एक हमने लिया है बाउल और बाउल में हम डाल देंगे 2 कप बेसन। और देखिए ये बेसन हमने बारीक वाला लिया है और बेसन को हमने छान लिया है और हमने अच्छा भर के लिया है दबा दबा के। अब हम बेसन में डालेंगे पानी, तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें, ये तो बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। और अच्छे से मिक्स करें। हमने बहुत अच्छे से फैट लिया है, देखिए बेसन की हमने कंसिस्टेंसी ऐसी रखी है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर, तो देखिए बेसन अच्छे से फूल गया है। और एक साइड हमने ऑयल चढ़ा दिया है गरम होने, तो ऑयल भी हमारा गरम हो गया है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसन डाल के देखेंगे। चम्मच की मदद से इसी तरह से हम बेसन डाल देंगे। अब हम बेसन को सेंक लेंगे पलट पलट के इस तरह से, और बहुत ज़्यादा डार्क ना सेंकें, नहीं तो लड्डू अच्छे नहीं बनके तैयार होंगे। तो देखिए बेसन बहुत अच्छे से सिक गया है। अब हम निकाल लेंगे और देखिए ये फूल भी गए हैं कितने अच्छे से। तो देखिए सारे बेसन को हमने सेंक लिया है, तो अब हम थोड़ी देर इनको ठंडा करेंगे। तो इसके लिए हम जब तक चाशनी बनने रख देंगे। तो गैस पे रख दिए हमने कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप चीनी, क्योंकि हमने 2 कप बेसन लिया है। 1 कप डालेंगे हम पानी। तो चीनी को अब हम होने देंगे मेल्ट। यहाँ पर हमारा बेसन भी ठंडा हो गया है जो हमने सेंक के रखा है। अब हमने लिया है 1 मिक्सी का जार, तोड़ तोड़ कर ये बेसन इस जार में हम डाल देंगे। देखिए इसी तरह से पीस लेंगे और देखिए कितनी बारीक सी बूंदी बन गई है। एक लिया है हमने बाउल और बाउल में हम निकालते जाएंगे और इसी तरह से सारे बेसन को हम सेंक लेंगे। अब यहाँ पर चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और हमें कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, बस हल्का सा तार बनने लगे इस तरह की चाशनी चाहिए हमें। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो चाशनी में हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो अब हम फिर से चाशनी को चेक करेंगे। तो देखिए एक अच्छा सा तार बनने लगा है, पतला सा। अब हम फिलहाल में अभी गैस बंद कर देंगे और इस चाशनी को हम पहले नीचे उतार लेंगे। तो देखिए हमने कढ़ाई को गैस से हटा लिया है, तो अब हम इसमें ये डाल देंगे बेसन जो हमने सेक के और पीस के रखा है। फिर से हम गैस पे चढ़ा देंगे। हमने फिर से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ये लड्डू इतने अच्छे बनके तैयार होते हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल हलवाई की तरह। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें त्योहारों पे, और बराबर चलाते रहें। तो इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब, जिससे कि हमारे लड्डुओं में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। टेबल स्पून दिए हमने खरबूजे के बीज, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। तो अब ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे, थोड़ी देर ठंडा करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत तेज गर्म है तो लड्डू बन नहीं पाएंगे अच्छे से, तो इसको हम ठंडा होने देंगे अच्छे से। तो अब ये ठंडा हो गया है हल्का सा, तो अब हम बनाएंगे लड्डू। देखिए ये कितने आसानी से लड्डू बन रहे हैं। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये लड्डू बनाएंगे तो आपके भी लड्डू बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। देखिए और इन लड्डुओं को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि इस तरह से बनाए हैं, हर कोई कहेगा कि ये मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। तो इसी तरह से सारे लड्डू हम बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इतने लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो अब हम लड्डुओं को गार्निश कर देंगे पिस्ता की कतरन से, और देखिए ये लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में तो ये बहुत स्वादिष्ट हैं। तो आज के हमारे इन लड्डुओं की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो हमें फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।